ओके सो हाय गाइज वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइज आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइज इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए गाइज आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो वैसे सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को मैं बैकग्राउंड दे दूंगा, तो आप सभी को पहले इसको डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद जाना आप सभी को ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद आप सभी को कुछ इस टाइप से अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड मॉडल को पहले मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ, कुछ इस टाइप से यहाँ पे मॉडल को यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, तो आप सभी को भी यहाँ पे लगा देना मॉडल को। एंड उसके बाद अभी आप सभी को यहाँ पे डन नहीं करना है क्योंकि आप सभी को भी एक कैट का पीएनजी भी लेना है। तो इस पीएनजी को ले लेते हैं हम यहाँ पे। एंड इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, रोटेट कर लेने के बाद अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसको हम सिंपली ऐसे ले जाएंगे एंड अपने हमें इसको शोल्डर के पास बैठाना है। तो कैसे बैठाना है मैं आप सभी को बताता हूँ। तो गाइस आप सभी को कुछ इस टाइप से पहले आपको कैट को पीछे की तरफ ले जाना है। एंड उसके बाद जो है आप सभी को फिर यहाँ पे मॉडल के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करके। एंड उसके बाद इसकी ओपेसिटी कम कर देना है। एंड यहाँ से इरेजर टूल में जाना है आप सभी को। इरेजर टूल में जाने के बाद आप सभी को फिर ये यहाँ पे जो है गाइस देखिए, आपको यहाँ पे आगे सब पहले इरेजर टूल में जाना है। फिर उसके बाद हार्डनेस को फुल कर लेना है। एंड उसके बाद आप सभी को जो इसका पैर है कैट का, उसको आपको सिंपली पैर को यहाँ पे इरेज कर लेना है, क्योंकि लगे कि हाँ इसने हमारे कंधे के ऊपर पैर रख रखा है। ठीक है, तो कुछ स्टेप से आप सभी को इरेज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे से करना थोड़ा टाइम दे के। ओके, तो जैसे कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे शेडो कैसे क्रिएट करनी है मैं आप सभी को वो भी बताऊँगा। आप सभी को उसमें मैं ड्रो टूल में नहीं बताऊँगा, मैं आप सभी को सिंपली इजी तरीके से बताऊँगा। तो कैसे करना है मैं आप सभी को बताता हूँ। तो पहले यहाँ से हम डन कर लेते हैं। एंड उसके बाद जो उसकी ओपेसिटी फुल कर देते हैं। एंड हम यहाँ से पहले यहाँ पे कर देंगे डन। एंड उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे ऐड फोटो में। ठीक है, तो यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे। एंड उसके बाद जो है शेडो को पीएनजी यहाँ से हम ले लेंगे। एंड उसके बाद जो शेडो को पीएनजी है, पहले तो हम इसको एक से थोड़ा सा बड़ा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एंड उसके बाद हम इसको जूम करेंगे, छोटा करेंगे। एंड उसके बाद हम यहाँ पे फोटो को जूम करके एंड यहाँ पे कैट के पैर के पास यहाँ पे लगा देंगे। तो गाइस देखिए एकदम परफेक्टली हमें शेडो जैसा लग रहा है अभी। तो आप सभी को चाहो तो उसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हो। बाकी अभी हम यहाँ पे डन करते हैं। एंड उसके बाद चलते हैं ऐसे हम ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को मैं एक पीएनजी दे दूंगा ये वाला। ठीक है, तो इसको आप सभी को क्या करना है, पहले इसका इसमें जाना है एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को जाना ह्यू में। ह्यू में जाने के बाद आप सभी को इसमें ढूंढना ब्लू कलर। ठीक है, तो ब्लू कलर इसलिए ढूंढना क्योंकि हमें कैट की जो आई है हम इसको ब्लू करना है। तो यहाँ पे हमने ब्लू कलर ढूंढ लिया, तो उसके लिए करना पहले इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली इस तरीके से यहाँ पे ले जाना है। एंड उसके बाद जो है फोटो को आप सभी को जूम करना है। एंड उसके बाद आप सभी को कैट के आई के पास यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर इसको मतलब कि चाहो तो इसकी ओपेसिटी कम भी कर सकते हो। तो उसको डुप्लीकेट करके आपको दूसरी आई के पास लगा देना है यहाँ पे। एंड उसके बाद ओपेसिटी कम कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एंड इस वाली को भी हम थोड़ा यहाँ पे छोटा कर देते हैं। एंड इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ पे कर देते हैं डन। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पे कर देना है डन। एंड इतना कर देने के बाद आप सभी को एक विगनेट का पीएनजी है। ठीक है, इसको मैं आप सभी को पीएनजी दे दूंगा। तो पहले हम ऐसे पीएनजी ले लेते हैं। एंड इसके बाद आप सभी को इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं, आप सभी को सिंपली इसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप्स यहाँ पे लगा देना है। एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप सभी को अभी यहाँ पे डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को यहाँ से सॉरी गाइस यहाँ पे टेक्स्ट में ही जाना, आप सभी को वापस से ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को एक पार्टिकल का पीएनजी है। ठीक है, तो इसको आप सभी को मैं दे दूंगा ये भी। तो इसका ब्लेंडिंग मोड पहले हम स्क्रीन कर देंगे। एंड उसके बाद जो हम इसको सिंपली जूम करेंगे कुछ इस टाइप से। एंड हम इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। एंड कुछ इस टाइप से हम यहाँ पे अपनी फोटो में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इससे अलग ही लुक आएगा। तो इसको आप सभी को जरूर यूज़ करना है। अब यहाँ पे डन करते हैं। एंड इसमें हम करेंगे थोड़ा सा डोजन बर्न। ठीक है, तो उसके लिए करेंगे हम इसे जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने का हम थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। एंड यहाँ से रिजर टूल में जाएंगे, यहाँ से इन्वर्ट कर देंगे। एंड उसके बाद जो है हम इसके साइज़ को थोड़ा छोटा करके एंड सिंपली हम अपने पहले यहाँ पे हैंड के ऊपर कर लेते हैं एक। ठीक है, एंड इसके बाद हम दूसरे हैंड पे भी कर देते हैं। एंड इसके बाद जो है थोड़ा सा मतलब कि हैंड के पास से जो है थोड़ा मेरे को रेस कर लेना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पे फिंगर्स पे आ गया, तो यहाँ पे रेस कर देते हैं। एंड उसके बाद जो है हमें ब्रश पे क्लिक करेंगे अगेन। एंड साइज़ को बड़ा कर देंगे यहाँ पे अब, क्योंकि हमें टी शर्ट वगैरह पे करना है ना, तो उसके लिए हमें यहाँ पे साइज़ बड़ा रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी कर देते हैं। एंड एक शोल्डर के पास भी कर देते हैं। एंड उसके बाद जो इसका ओपेसिटी थोड़ा सा हम बढ़ा के देखते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ओपेसिटी ज़्यादा नहीं रखना है, आप सभी को अराउंड 14 तक रख देना है। एंड उसके बाद जो थोड़ा साइड में पेंट हो गया, तो उसको मैं यहाँ पे रेस कर लेता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करके। एंड उसके बाद आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा अमाउंट जो इसका अराउंड 5-10 तक रख लेना है। ठीक है, 10 तक रख देना एंड कर देना डन। एंड उसके बाद आप सभी को अब क्या करना है, आप सभी को अगेन से टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के फिर एडजस्ट में जाना है। एंड उसके बाद थोड़ा सा कलर को एडजस्ट करना है यहाँ पे। बाकी हम कलर जो एडजस्ट रियल वाला करना है वो हमें लाइट रूम में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको थोड़ा सा टोन इसका सही कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर दोबारा अगेन जाना टूल्स में। टूल्स में जाने के बाद फिर एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद आप सभी को जो इसका ब्राइटनेस ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। वैसे रिजर टूल में जाकर इन्वर्ट करके ब्रश की साइज को थोड़ा सा छोटा करके एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है। फेस के ऊपर आपको करना है डोजन बन। ठीक है, इसको कुछ इस टाइप से एक इस टाइप से एंड एक इधर और एक यहाँ पे भी कर देते हैं। ठीक है, तो इतना कर देने के बाद आप सभी को यहाँ से डन कर देना है। एंड जिसका अमाउंट आप सभी को थोड़ा सा कम कर देना, अराउंड 7 तक रख देना है। एंड उसके बाद अभी यहाँ पे आपको
थोड़ा सा मतलब कि इसका थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइड में थोड़ा सा पेंट होगा तो उसको मैं यहाँ पे रेस कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को इतना कर देने के बाद आप सभी को आप यहाँ पे फोटो कर देना बिल्कुल डन, एंड ऐसा फोटो को सेव करके, एंड इसमें कलर करेक्शन करनी तो उसके लिए हम चलेंगे लाइट रूम ऐप के अंदर। एंड गाइस जब तक हमारा लाइट रूम ऐप ओपन हो रहा है, और यार अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप में से कोई भी भाई मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि यार मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को मिलती रहे। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस यहाँ पे जो हमने फोटो को ऐड कर दिया है एंड थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फोटो हमारी भी ऐड हुई नहीं है, तो जैसे ही ऐड हो जाएगी हम उसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो अब इस पे फोटो पे हम क्लिक करेंगे, एंड क्लिक कर लेने के बाद उसके बाद आप सभी को करना क्या है, आप सभी को यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा नीचे लाइट वाला ऑप्शन, तो इस पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद जो आप सभी को उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, हाईलाइट जो है इसको थोड़ा सा आप सभी को कम कर देना है, ठीक है। एंड शेड थोड़ा सा बढ़ा देना है शेडो को, एंड इसका वाइट जो है इसको आपको थोड़ा सा कम करना है, एंड जो ब्लैक है इसको आपको कम कर देना है, एंड जाना कलर्स में, फिर उसके बाद जो वाइब्रेशन है इसको बढ़ा देना है, एंड जाना मिक्स में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसके सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एंड उसके बाद ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद जो आप सभी को करना क्या है, जाना येलो कलर में इसके ह्यू को माइनस कर देना है, ग्रीन कलर है इसके ह्यू को माइनस कर देना है, एंड उसके बाद जाना सैचुरेशन को माइनस कर देना है, एंड उसके बाद ब्लू कलर को लेना है, एंड इसके ह्यू को माइनस में कर देना है, एंड सैचुरेशन को थोड़ा माइनस कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद डन कर देना है, एंड उसके बाद जाना आप सभी को नीचे वाले टूल में, ठीक है। तो यहाँ से नीचे वाले टूल में चलते हैं, यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी को बढ़ा देते हैं, एंड जो फोटो में विग्नेट हम इसमें थोड़ा सा विग्नेट डाल देते हैं, नीचे स्क्रॉल करेंगे ग्रेन अमाउंट मिलेगा उसको बढ़ा देंगे थोड़ा, एंड फिर इसके नीचे वाले टूल में जाके शार्प में इसको बढ़ा देंगे, नॉइज़ रिडक्शन को भी बढ़ा देंगे, एंड जो कलर नॉइज़ रिडक्शन को भी हम बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद क्या करना आप सभी को, तो गाइस जो हमारी फोटो परफेक्टली एडिट हो चुकी है, आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, एंड यार वीडियो सच में पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर जरूर करना। एंड यार मैंने आप सभी के लिए लास्ट में वीडियो के एंड स्क्रीन में मैंने आप सभी के लिए दो वीडियो लगा रखी है, और दोनों वीडियो काफ़ी अच्छी हैं, मतलब कि काफ़ी लोगों को पसंद आई। तो अगर आप सभी को यार ये दोनों वीडियो पहली बार देख रहे हो इस पे एंड स्क्रीन पे, तो प्लीज़ यार इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करके आप जाकर देख सकते हो, एंड अगर चाहो तो आप मेरे चैनल पे जाकर भी देख सकते हो, तो मेरे लोगों के ऊपर क्लिक कीजिए एंड वहाँ पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।